स्वतंत्रता दिवस से पहले एक आतंकी की गिरफ्तारी एटीएस ने कर ली है। चूंकि लगातार स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी, बड़ी कामयाबी एटीएस ने हासिल की है। आपको बता दें इसके पास से कारतूस भी बरामद हुए हैं, तमाम और चीजें हैं, विस्फोटक सामग्री जो है इसके पास से बरामद की गई है। लगातार ऐसे लोगों को पकड़ने की कोशिश जो है वो एटीएस की टीम भी कर रही है, प्रशासन भी कर रहा है। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस से पहले किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना को अंजाम ना दिया जा सके, इसको लेकर सतर्कता जो है प्रशासन की तरफ से बढ़ती गई है। ये हम आपको बता दें कि आईएसआई से जुड़े आतंकी साउद्दीन आजमी को गिरफ्तार किया गया है और वाराणसी यूनिट ने आतंकी को आजमगढ़ से गिरफ्तार किया। वो आईएसआई से में भर्ती कराने वाले सदस्य से सीधे संपर्क में था। एटीएस ने उसके पास से भारी मात्रा में 315 बोर के कारतूस समेत शोल्डिंग व पीवीसी वायरिंग समेत तमाम आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद कर ली है। संभावना ये जताई जा रही है कि इन सामग्रियों का इस्तेमाल बम बनाने में किया जाता है। गिरफ्तार आतंकी ने पुलिस को बताया कि उसके साथ कुछ लोग स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विस्फोट करने की योजना तैयार कर रहे थे। साउद्दीन के सबाहू, दिलावर खान, बैरम खान और आजर जैसे कई छदम नाम है। वो आजमगढ़ के ही महमूदापुर, अमोली, मुबारकपुर का रहने वाला है। साउद्दीन आईएसआईएस के अलावा ओबीसी की पार्टी एआईएमएम का भी सक्रिय सदस्य है। ने फिलहाल सबाउद्दीन को गिरफ्तार किया है और सबाउद्दीन वो व्यक्ति है जो आईएसआईएस के लिए रिक्रूटमेंट का काम करता था, वो सीधे रिक्रूटर से जुड़ा हुआ था। इसके साथ ही साथ इस बात की भी पुष्टि हो चुकी है, यूपीएटीएस ने पुष्टि की है कि वो एआईएमआईएम का भी मेंबर था और इसके साथ ही वो तमाम जो नए लड़के हैं उनको जिहाद का पाठ जो है वो पढ़ाता था। मतलब साफ है कि आतंक की पाठशाला जो है वो आजमगढ़ में तैयार कर रहा था और सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि अब यूपीएटीएस जो है इस बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कैसे इनके संपर्क में आया। हालांकि कुछ जो चीज़ें जो अभी निकल के आई हैं उसमें ये है कि जो ऑलरेडी जो आईएसआईएस का जो रिक्रूटर है वो उसके जरिए फेसबुक से जुड़ा था, उसके बाद उसका ब्रेन वॉश किया गया और उसके बाद ये जो है बाकायदा रिक्रूटमेंट का काम भी कर रहा था। तो ऐसे में तमाम जो और भी जो नए मॉड्यूल्स आतंकियों के आए हैं उनसे कैसे ये जुड़ा, इसके साथ ही साथ कैसे ये आईईडी का बनाने की जो विधि है उसे सीखी है, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में यूपीएटीएस फिलहाल जो है पूछताछ कर रही है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं हुआ कि 15 अगस्त से पहले एक बड़ी कामयाबी जो है वो यूपीएटीएस को लगी है। विशाल, आप निगाह बनाए रखिएगा। वेदेंद्र भी हमारे साथ आजमगढ़ से इस वक्त जुड़ चुके हैं। वेदेंद्र, आजमगढ़ से गिरफ्तारी हुई है इस आतंकी की, क्योंकि इसके द्वारा जो जानकारी सामने निकल के आई कुछ और इसके सहयोगी थे, अब एटीएस कितनी ज्यादा और सतर्क हो गई है ताकि उनकी भी गिरफ्तारी जो है वो हो सके, उनको भी गिरफ्त में लिया जा सके? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि एटीएस पूरी तरीके से सतर्क हो गई है। अगर देखा जाए पीछे अगर जाया जाए तो लगभग 3 दशक पहले जहां अबू सलेम का मुंबई कांड में नाम आने के बाद आजमगढ़ लगातार सुर्खियों में रहा, चाहे वो अहमदाबाद हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, गोरखपुर या वाराणसी कचहरी ब्लास्ट हो, समय समय पर नाम आते रहे जिसमें बहुत सारी गिरफ्तारियां 1.5 दर्जन से अधिक हो चुकी हैं। बाटला हाउस इनकाउंटर में जहाँ 2 युवा मारे हैं, बाकी अभी भी लगातार जो है 1/2 दर्जन जो फरार है एनआईए के रडार पर चल रहे हैं। एक बार फिर से जिले का आतंकी कनेक्शन नाम आया है, जहां स्वतंत्रता दिवस के पूर्व आतंकी साजिश का पर्दाफाश करते हुए आजमगढ़ की मुबारकपुर से एटीएस ने आईएसआई से जुड़े सबाउद्दीन को गिरफ्तारी की है, जहां ऊपर आरोप है तमाम जो सीधे स्कूटी से सीधे वो संपर्क था, यूपीएस से खुलासा किया है। माना जा रहा है कि इस कड़ी और भी गिरफ्तारी और खुलासे भी हो सकते हैं, या जो भी आईएसआई का जो छींटा पड़ा वो कहीं ना कहीं और गिरफ्तारियां संभव है। जी ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।